सी हर तरह। अगर ऐसा ही सब कुछ होना है तो हमारी अस्मा की सांसें क्यों नहीं रुक जाती, ताकि एक ही बार मेरे दिल को सबर आ जाए। मैं चाहता हूँ जैसे उसने मुझे डिप्रेशन से निकाला था, मैं भी उसे कोमे से हार्डली। क्या नाम है इनका? फरिया। जब आपका फोन आया था ना तो मैं पहुंच चुकी थी, मैंने सोचा सबसे मिलके ही जाऊंगी। कहाँ है आपके पेपर्स? डॉक्टर साहब क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं। आप कौन से पेपर्स ढूंढ रहे हैं? मेरा ख्याल है वो डॉक्टर नासिर की टेबल पे रह गई है, मैं देख कर आता हूँ, तुम यहीं रुको। जी सर आप यही काम करते हैं जी? मेरी बीवी नहीं मिल रही है, वो आप प्लीज अपने स्टाफ को बोलें कि उनको ढूंढने में मेरी मदद करें। अच्छा किस बेड नंबर पर थी आपकी बीवी? उनको अभी एडमिट नहीं करवाया था, मैं डॉक्टर रजा को दिखाने के लिए लाया था, बाहर गाड़ी में छोड़ा है, उनका नंबर लेने के लिए गया हूँ तो अचानक से पीछे से वो गायब हो। तो आपने उन्हें यहाँ अकेला क्यों छोड़ा? हम यहाँ मरीज को अकेला नहीं छोड़ते। आप एक काम करें, डॉक्टर रजा को इन्फॉर्म करें, मैं स्टाफ से पता करता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। सर सर वो एक पेशेंट नहीं मिल रहे। आप जाए, उसका शौहर उसे ढूंढता फिर रहा है। कौन सी पेशेंट? सर फरहिया नाम है उसका, उसके शौहर का कहना है कि जब वो आपसे मिलने आया तो वो उसे गाड़ी में छोड़कर आया था, और जब वापस गया है तो वो गाड़ी में नहीं है। सर अभी कहाँ है वो? सर मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, वो आपके रूम की तरफ ही गए। सर आप जाके चेक करें चौकीदार से, कहीं वो बाहर तो नहीं गए। ठीक है सर। सर मेरी बीवी कहीं भी नहीं मिल रही। I'm sorry, मैं आपको बार बार बॉदर कर रहा हूँ, लेकिन जी मुझे पता चला है मेरा स्टाफ ढूंढ रहा है। आप इस किस्म के पेशेंट्स को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, आप परेशान यहीं कहीं होंगी, मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब मैं तो तकरीबन सर चौकीदार कह रहा है कि यहाँ से तो कोई पेशेंट बाहर नहीं भागी। गुड, इसका मतलब कि वो अंदर ही कहीं है। आप जाके स्टाफ के साथ ढूंढने में आ रहा हूँ। राइट सर। कोई किसी किस्म का अटैक तो नहीं हुआ था? बस अचानक से उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दी, कह रही थी कि उसे मेहरबानों नजर आ रही। पर डॉक्टर साहब ये तो रोज ही होता है, कभी उसे अम्मी नजर आती हैं और कभी मेहरबान। एक्चुअली ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपको लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं। आप चले, मैं आ रहा हूं। बस मैं सॉरी। तुम काउंसलिंग करने के लिए कोर्स कर लो। जी डॉक्टर साहब। हाँ कहाँ तुम? वो आपकी फाइल मिल गई, मैं बस समन के कमरे में आ गई थी। हाँ मिल गया, तुम वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। ओके जी ठीक है। डॉक्टर सुमन यहाँ कोई आया तो नहीं? नहीं क्यों, क्या हुआ? पता नहीं एक पेशेंट नहीं मिल रहे। कौन सी? आज उसका शोहर उसे पहली बार यहाँ लेकर आया था, और हमने तो उसे देखा भी नहीं, काफी देर से ढूंढ रहे हैं, हमने सोचा शायद कहीं छुप कर बैठ गई हो। ऐसे काम करो तुम जाके देखो। ठीक है।
तुम्हें क्या हुआ? बेचारी के साथ बहुत बुरी हुई होगी ना? मैं बहुत से ऐसे केसेस देख चुकी हूँ जिनमें अक्सर वो लोग पागल नहीं होते जिनके साथ बुरा होता है, कभी कभार वो लोग भी पागल हो जाते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं। खैर चलो हम भी चल के देखते हैं। वो डॉक्टर रजा आ रहे हैं, मैं उनके साथ आ जाऊँ? चलो ठीक है। क्या हुआ डॉक्टर रजा? एक्चुअली वो जो पेशेंट है ना सर, वो लड़की मिल गई है। कहाँ से मिली? सर सीढ़ियों पे बैठी हुई थी। गॉड, थैंक गॉड, लेट्स गो। हसन साहब को काफी देर हो गई गए हुए, अल्लाह खैर करे। मेरा भी दिल बैठा जा रहा है, आप फोन करें ना, कुछ देर और इंतजार कर लूं फिर फोन कर लूंगी। क्या पहले कभी इन्होंने ऐसी कोई हरकत की है? मेरा मतलब है कोनों वगैरह में छुप जाना। एक दफा किया था पहले, अल्लाह का शुक्र है मैं उस दिन घर पे था। लेकिन डॉक्टर साहब, जब भी ये कोई पीने वाली चीज देखती है अजीब पैनिक कर जाती है, कहती है इसमें जहर मिला हुआ है, मैं नहीं पीऊंगी, शोर मचाती। आप एक काम करें, इनको जब होश आ जाए तो आप इनको अपने साथ घर ले जाए, लेकिन इनको किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ना। मैं डॉक्टर अहमद को सारी डिटेल्स दे देता हूँ, वो इस केस को देखेंगे। ओके, थैंक यू। ऐसी माँ होती जो अपने बच्चों के हर सच और झूठ में उनका साथ देती है, मैं तुम्हें रोक क्यों नहीं सकी तुम्हें? मिल गई पेशेंट? हाँ मिल गई। अच्छा डॉक्टर रजा कहाँ है? अब वो रूम नंबर 3 में है उस पेशेंट के साथ। अच्छा फिर मैं उनके पास चलती। अच्छा एक काम करो, मेरा बैग पास कर दो प्लीज। जा रही हो? हाँ बस मैं घर के लिए निकल रही हूँ। थैंक यू, आ जाओ साथ ही निकलते हैं। क्या हुआ डॉक्टर रजा? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप मेरे साथ आओ। आप लोगों ने आने में बहुत देर लगा दी। क्या बताऊं शाना मावा, मां तो बहुत तमाशा हो गया था। क्यों क्या हुआ? मैं डॉक्टर साहब से बात करने के लिए 5 मिनट के लिए गया आऊंगा गाड़ी में फरिया को छोड़ के, और वो पता नहीं गाड़ी में से निकल के कहीं छुप गई, पूरा हॉस्पिटल उसे ढूंढता फिर रहा था। फिर कहां से मिली? पता नहीं, वो नर्सेस उसे पकड़ के लाई थी कहीं से, कह रही थी कि सीढ़ियों पर छुपी हुई थी। डॉक्टर साहब का कहना है कि इसकी जहनी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसको अकेला ना छोड़ा जाए। वहां पे
न जाने किसको देख के मेहरबानो मेहरबानो पुकारना शुरू कर दिया और उसके पीछे भागी है। सीरियसली मैं मुश्किल से 5 मिनट के लिए भी नहीं गया हूँ। हाँ, वो डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां दी, मैंने उसके सिराने रख दी। और कुछ नहीं बताया डॉक्टर ने? क्या कहूं खाला जान, डॉक्टर का बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आया। पहले फरिया को देखा, पूरा केस रीड किया, उसके बाद अचानक से कहने लगा कि नहीं आप किसी और डॉक्टर को दिखा दें। और हाँ, ये भी कह रहा था कि किसी बात का गिल्ट है फरिया। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि फरिया को किस बात का गिल्ट हो सकता है। अब पता नहीं बेटा, जाने अनजाने में कुछ हो गया होगा उससे। ये बताओ कि डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार क्यों कर दिया? सीरियसली खाला जान, कुछ समझ में नहीं आया। एक और डॉक्टर रेफर किया है उसने, मैं आज बात करता हूँ। खाना उसे जरूर खिला दें, दवाई देनी बहुत जरूरी है। और शानुम, दरवाजा बंद करके रखिए, चाबी नहीं लगी होनी चाहिए दरवाजे, क्योंकि उसकी जो हालत है इस वक्त वो कहीं भी निकल के भाग सकती है। सो हम लोगों को जरा अलर्ट रहना पड़ेगा। डॉक्टर रजा, चाय। थैंक्स। बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इसको घर में रजा बुलाया करो, इसे कम से कम घर में हॉस्पिटल तो रखा गया, और आज सिर्फ चाय। नहीं, मैं भूल ही गई। रजा, क्या बात है बेटा, आज तुम उलझे उलझे से लग रहे हो। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात। भाई, काम की थकन है। रजा, तुम कुछ देर के लिए छुट्टी ले लो, घूमो फिरो, इसे मेहरबानों की शॉपिंग करा। मैं जरा चेंज करके आता हूँ। रजा आजकल कुछ परेशान है? हाँ, मैं भी यही पूछ रही थी। आज हॉस्पिटल में एक पेशेंट गायब हो गई थी, शायद इस वजह से। तो मिली या नहीं? नहीं, मिल गई थी। मुझे तो इसकी उलझन की वजह कुछ और लग रही है। अरे भाई, बाद में पूछ लेंगे। बेटा, तुम बैठो, चाय पियो। डॉक्टर का बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आया। पहले फरिया को देखा, पूरा केस रीड किया, उसके बाद अचानक से कहने लगा कि नहीं आप किसी और डॉक्टर को दिखा दें। और हाँ, ये भी कह रहा था कि किसी बात का गिल्ट है फरिया। अम्मी, जल्दी से रेडी हो जाए, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। फरी, मैं हैरान हूं कि तुम इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रही हो। क्यों, मैं नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव कर सकती? क्या हुआ? तुमने सुन लिया होगा ना कि हसन मेहरबानों से शादी कर रहा है। कितने वास्ते दिए थे इस लड़की को मैंने कि शादी ना करे, पर नहीं मानी वो। कोई बात नहीं,
आप फिक्र नहीं करें, ये शादी नहीं होगी। क्या करोगी तुम? वो आप छोड़ दें। आप चाहती हैं ना कि मेरे बहाने से हमारी जान छूट जाए? छूट जाएगी। ये आंसू हम तुम्हारे गुनाहों को नहीं धो सकते। काश काश उमर की जगह तुम मर गई होती। काश मैं एक रिवायती मां ना होती, ऐसी मां ना होती जो अपने बच्चों के हर सच और झूठ में उनका साथ देती है। मैं तुम्हें रोक क्यों नहीं सकी, रोक क्यों नहीं सकी तुम्हें? मेरे लिए तो अब तुम मरे हुए से भी बदतर हो। काश मैं अपने सीने से मां का कलेजा निकाल के फेंक देती और अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट देती। कहीं मेहरबान फिर से पागल ना हो जाए। मेरे जख्मों पे बहुत मुश्किल से खुरन जमी है, खुरीदेंगी तो फिर से खून बहने लग जाएगा। एक बात बताएं डैड, आपने मुझसे कभी उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पूछा कि वो लड़की कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कहां से आई है, नथिंग एट ऑल। मैंने कभी जरूरत महसूस नहीं की, क्यों, कोई खास बात है क्या? खास तो नहीं, लेकिन अजीब सी बात है डैड। मेहरबानों पे कत्ल का इल्जाम था, मेरा मतलब है झूठे कत्ल का, और इसी वजह से वो पागल भी हुई। मुझे याद है जब वो हॉस्पिटल आई थी तो वो चीखा करती थी कि मैं फरिया को जान से मार दूंगी, उसे छोड़ूंगी नहीं। आयरोनिकली आज फरिया मेरे सामने आई और वो जी पागल सी हो गई है। तुमने मेहरबानों को बताया? नहीं डैड। उसे इत्मीनान होगा और खुदा की कुदरत पर उसका यकीन बढ़ जाएगा। नहीं डैड, मुझे डर है कि मेहरबानों का सामना उस लड़की से दोबारा ना हो जाए, वरना उसको फिर से दौरे पड़ सकते। कहीं मेहरबान फिर से पागल ना हो जाए। बात तो तुम्हारी भी ठीक है, तुम उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर मत जाना। मैंने तो ये केस डॉक्टर नासिर को रेफर कर दिया, हालांकि उसका शौहर इंसिस्ट कर रहा था कि मैं ही ये केस देखूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसका केस मैं तो क्या इस हॉस्पिटल में कोई भी देखे। लेकिन प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से तुम उसे मना नहीं कर सकते। डैड, मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि कहीं मेरे मुंह से किसी लम्हा सच ना निकल जाए और उसके शौहर को ये ना पता चल जाए कि जिसका वो इलाज करवा रहा है वो उसकी माँ की कातिल है। अल्लाह उनकी जिंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तुमने अच्छा किया कि मेहरबानों को सब कुछ नहीं बताया। मैं सोच रहा था कि क्या नाम है उसके शौहर का, हाँ हसन, मैं उसको फोन करके कह दूं कि इसको कहीं और ले जाए, वरना मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहेगा कि उनका आमना सामना ना हो जाए। एंड वैसे भी हसन उसका एक्स फियांसे है, अगर मेहरबानों ने उसको दोबारा देख लिया तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हारा पागल ना हो जाए। अलाजान, डॉक्टर ने कहा है कि फरिया को कहीं घुमाने फिराने के लिए लेके जाए।
जरा बाहर निकलेगी तो शायद ये कुछ बेहतर फील करे। ठीक है, ले जाना है। आप भी साथ चलेगा? क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम इससे बातें करेंगे, इसको कुछ चीजें याद दिलवाएंगे, माहौल बदलेंगे, तो इसका वापसी का रास्ता जल्द मुमकिन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं इसे लेके आती। नहर वालों, तुमने अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं? आपने डॉक्टर रजा से नहीं पूछा? उससे पूछना मैंने मुनासिब नहीं समझा, और वैसे भी मुझे तुम्हारे माजी से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। मेरे जख्मों पे बहुत मुश्किल से खुरन जमी है, खुली देंगी तो फिर से खून बहने लग जाएगा। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। नहीं, आप जानना चाहती हैं तो मैं आपको एक एक बात बता दूंगी। जी आए। क्या जवाब दिया डॉक्टर सलमान ने? लो, खुद देख लो। तुमसे कहा था ना, ज्यादा उम्मीद मत रखो। आपने आपने रजा को बताया? क्या बताता रजा? कोई उम्मीद अफजा जवाब होता तो उसे बताता भी। तुम्हारी वजह से मैंने डॉक्टर सलमान को मेल भेजी, क्या मैं वाजे जवाब दे? जवाब तुम्हारे सामने। कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर सलमान का जवाब आया। डॉक्टर साहब ने वही बेटा जो हमसे यहां हर डॉक्टर ने कहा है कि अस्मा खुद ही कभी कोमे से वापस आ जाएगी। पता नहीं अल्लाह हमारी इस आजमाइश को कब खत्म करेगा। अगर आपकी अब भी कोई शर्त बाकी है तो बता दें, वरना फिर रजा और मेहरबानों की शादी की तैयारी करें। जो आपका दिल चाहता है आप करें, बस।
अरे आप हम इस काबिल बचे कहाँ हैं जो उससे जाके पूछी मार सके। सुना लीजिए। ठीक है बेटा, मैं किसी और डॉक्टर का पता करता हूँ। ठीक है, ठीक है। समीना बीबी, मैंने आज फरिया बीबी की अलमारी साफ की थी, उसमें से ये चीजें निकली हैं, देख लें वरना मैं फेंक दूँ। हसन साहब आप देख लीजिए, अगर कोई काम की चीज है तो वो रख लें, नहीं तो फेंक दूँ मैं। ये कहां से मिली आपको? ये फरिया बीबी की अलमारी में से। तुमने कत्ल किया मेरी मां को। तुमने मारा। ये जहर की शीशी तुम्हारी अलमारी में से मिली। बोलो। मुझे इस लड़की पे बिल्कुल भी एतबार नहीं। पागलपन का ड्रामा करके सिर्फ हमारी हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। अटेंशन सीकर तो वो है,
लेकिन अब वो खतरनाक होती जा रही है। और इसी खतरनाक लड़की से मैं तुम्हें बचाना चाहूँ। उसको हमारी तवज्जो की जरूरत है, तुम उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हसन। देखो मेहरबानो, अगर कोई अपनी जिंदगी मुश्किल बनाना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं, जिंदगी कैसे आसान कर सकते। प्यार और मोहब्बत से। हसन साहब कहाँ चले गए? फोन करके देखती हूँ। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब आपका इंतजार करें सर, सुबह से आए हुए हैं। अच्छा, क्या बात? कुछ बता नहीं रहे सर, जब से आए आपको ही पूछ रहे हैं। ठीक, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे हसन सर, मुझे पता चला आप काफी देर से मेरा वेट कर रहे हैं। हाँ, वो मैं मेहरबानों के बारे में जानना चाहूँ। उस लड़की को तो हमने पागलखाने में भिजवा दिया। दरअसल आपने इस केस में दिलचस्पी नहीं ली तो हम ये समझे कि आप प्रसून नहीं करना चाह रहे हैं। वैसे भी वो लड़की पागल हो चुकी थी। कौन से पागलखाने में भेजा है आप लोगों? ये तो मैं रिकॉर्ड चेक करके ही आपको बता सकता हूँ। कुछ एनजीओ हैं जो इस तरह का काम करती हैं और वो मरीजों का इलाज भी खुद ही करवाती हैं, खासतौर पे औरतों और बच्चों का। मिलना चाह रहा हूँ मैं मेहरबानों से। आप इस केस को परसू करना चाह रहे हैं? जी। तो ठीक है, मैं रिकॉर्ड निकलवा के स्टेटस देख लेता हूँ, फिर हम इस केस को अदालत में ले चलते हैं। नहीं, फिलहाल मुझे अदालत में नहीं जाना, पहले मैं खुद मेहरबानों से मिलना चाहता हूँ। ठीक है हसन साहब, आप ऐसा करें कल मेरे पास आ जाएं, मैं रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ, उसमें पता चल जाएगा कि वो किस पागलखाने में। चाय मंगवाऊं आपके लिए? हसन साहब, इतने अरसे बाद आप इस केस को क्यों खुलवाना चाह रहे हैं? पागलखाने में दाखिल करना। मेहरबानो डॉक्टर रजा के साथ चली गई? हाँ, वो मेहरबानो की शादी डॉक्टर रजा के साथ हो रही है ना। जो भी माफी मांगता हूँ मैं, मुझे अपने गुनाहों की तलाफी करने को मेहरबानो से फिर। ATV, सारे रंग हमारे।